बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले और चौथे सेमेस्टर के अज़ीज़ स्कॉलर्स, अस्सलामुअलैकुम। हमारा पर्चा अदबी तहरीकें, जिसका एक उनवान या एक हिस्सा जो है वो तहरीक के जो बुनियादी तसव्वुरात हैं या तहरीक की जो बुनियादी बहस है वो हमने मिड टर्म इम्तहान तक उसे देखने की कोशिश की, और साथ में मगरिब की जो तहरीकें हैं ये एक हिस्सा मैंने अर्ज़ किया था और आपके सिलेबस में शामिल है, आप जानते हैं। तो इसमें रोमानवियत और वजूदियत, इन्हें भी हमने देखा उस इम्तहान में। उसके बाद सुरियलिज़म, इजहारियत, तजरीदियत, इनको हमने बतौर इस्तिलाहात और नज़रियात के तौर पर देखा। इसके बाद मैंने अर्ज़ किया था कि दो तीन चीज़ें ऐसी हैं कि जिन्हें हम कदरे तफसील से देखेंगे, उन्हें बतौर तहरीक, बतौर नज़रिया, बतौर इस्तिलाह भी देखेंगे और बतौर तहरीक भी उन्हें देखने की कोशिश करेंगे। तो इस सिलसिले में हमने अलामत निगारी का मौजू शुरू किया हुआ है। गुज़श्ता गुफ्तगू में अलामत निगारी के मानी, मफहूम, इसका मुख्तलिफ असनाफ में जो इसका हिस्सा है, मुख्तलिफ असनाफ के साथ इसका जो ताल्लुक़ है वो देखने की कोशिश की, और चंद चीज़ें अभी ऐसी हैं कि अलामत निगारी के सिलसिले में उन्हें देखना ज़रूरी है। कुछ बातें तो इसके मफहूम और इसके मानी के साथ ताल्लुक़ रखती हैं, कुछ बातें इस तहरीक के अंदर जो मुख्तलिफ ममालिक के लोग हैं, खुसूसन मगरबी ममालिक के, उनका क्या हिस्सा था, इसको शुरू करने वाले कौन थे और फिर इसके असरात क्या मुरतब हुए, ये चंद बातें हैं जिन्हें हम आज देखने की कोशिश करेंगे। और मैं ये कोशिश करता हूँ आज हमारा ये मौजू अलामत निगारी वाला ये मुकम्मल हो जाए। इस सिलसिले में चंद बातें आपसे शेयर करनी हैं, आपके गोश गुजार करनी हैं। एक तो ये मैंने अर्ज़ किया था कि अलामत निगारी जो है वो दरअसल अलामत से निकली हुई एक चीज़ है, और मैंने ये भी अर्ज़ किया था कि अंग्रेज़ी में अलामत के लिए सिंबल का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल होता है, और इसके मानी कुछ मफहूम बताने की कोशिश की थी। कुछ चीज़ें अलामत के साथ, इसके मफहूम के साथ, इसके लफ्ज़ी, लुगवी और इस्तिलाही मतलब के साथ ताल्लुक़ रखती हैं, वो मैं चाहता हूँ कि वो भी पेश कर दूँ कि अलामत के इस्तिलाही मानी में कोई शय या किरदार या वाक़या जो बतौर मजाज अपने से मावरा किसी और शय की नुमाइंदगी करे वो अलामत कहलाता है।
طرح علامت سے ہم ایسے استعارے مراد لیتے ہیں جنہیں شاعر اپنے بنیادی تصورات کے لیے استعمال کرتا ہے، اس کے جو میجر بنیادی اساسی تصورات ہوتے ہیں ان کے لیے وہ کچھ استعارے استعمال کرتا ہے، تو وہ بھی علامت کے مفہوم میں آتے ہیں۔ اکبر الہ آبادی نے، یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ مغرب کی جو معاشرتی یا مغرب کے معاشرتی ادارے جو ہیں ان کے لیے کچھ علامات وضع کی تھی، میں نے دو تین پیش بھی کی کہ مس ہے، صاحب ہے، ہوٹل وغیرہ۔ اب ان میں سے کسی کے معنی ہیں بے دینی، کسی کے ہیں بے حیائی، کسی کے معنی بے مروتی۔ اب علامتی طور پر مس، صاحب، ہوٹل، اگر ان کو علامت کے طور پر استعمال کیا ہے تو ان کے مجازی معنی کچھ اور ہیں، وہ کسی اور مفہوم سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن علامت کے طور پر ان لفظوں کو برت کر استعمال کر کے وہ معنی مراد لیے ہیں۔ تو کسی کے معنی گھریلو زندگی سے تعلق ہے اور کسی کے معنی اس سے بے تعلقی ہے۔ تو یہ طنزن اکبر نے، تو چونکہ ایک لطیف طنز کا جو ان کے اندر ایک رجحان ہے اکبر الہ آبادی کے ہاں، جو ایک مغرب پر ایک لطیف طنز کرتے ہیں، باریک طنز کرتے ہیں، یہ معنی ان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب دیکھیے اقبال جو ہیں ان کی مرکزی علامت جو ہے وہ عشق ہے، جس سے وہ جنسیاتی کشش نہیں مراد لیتے بلکہ ایک ایسا خداداد اور اضطراری جذبہ مراد لیتے ہیں جو انسانوں کو سماجی اور اخلاقی ارتقاء، سماجی اور اخلاقی جو ایک بلندی ہے وہ طے کرنے کے لیے بے قرار رکھتا ہے، اپنے مقصد کے حصول کے لیے بے قرار رکھتا ہے، اپنے آپ کو پانے اور پھر خدا تعالیٰ کی ذات کو پانے کے لیے بے قرار رکھتا ہے۔ وہ ایک جذبہ ہے جو اپنے صحیح مقصد کو طے کرنے کے لیے انہیں ہر وقت بے قرار رکھتا ہے۔ تو یہ انہوں نے ایک علامتی اظہار کیا، ایک علامتی علامت کے طور پر اس لفظ کو استعمال کیا۔ اب مغرب والے کیا کرتے ہیں، وہ اس لفظ یعنی سمبل علامت کو ڈھیلے ڈھالے طور پر لائٹ انداز میں استعمال کرتے ہیں، کہیں تو وہ اسے نشان، آیت، سائن کے طور پہ ان معنوں میں استعمال کرتے ہیں، تو کہیں استعاروں کے معنوں میں، اور جو لوگ اسے سائن یا نشان اور استعاروں کے معنی میں لیتے ہیں اور کچھ دونوں سے اس کا امتیاز کر دیتے ہیں، دونوں سے ممیز کر دیتے ہیں، وہ بھی کچھ زیادہ اس سے تعین معنی نہیں لیتے یا تعین معنی میں استعمال نہیں کرتے، جس کا تعلق ایک صاف ذہن کے ساتھ ہو یا جو معنی ایک صاف ذہن سے تعلق رکھتے ہیں وہ ان کے ہاں نہیں ہوتے، بلکہ اپنی علامت برت کر، ایک علامت استعمال کر کے وہ کچھ نشان اور کچھ سائن مراد لے لیتے ہیں۔ تو یہ مغرب کے ہاں اس کا تھوڑا سا فرق ہے ہمارے نسبت۔ ہمارے ہاں علامت جو ہے وہ کچھ اور معنوں میں، یعنی جیسے میں نے عرض کیا کہ اکبر نے یہ چیزیں استعمال کی ہیں، یہ معنی مراد لیے ہیں۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ 19ویں صدی میں یورپ میں جو ایک تصوریت تھی، ایک تصور کی دنیا تھی، کے مقابلے میں مادی جو انداز نظر ہے وہ اس کو زیادہ فروغ حاصل ہو گیا تھا، چنانچہ انسان کی جو فطری آزادی تھی اس کو ایک مرتبہ پھر مادے نے پابا زنجیر کر دیا، اس کو جکڑ دیا۔ نتیجہ یہ ہوا
कि इस सदी के अवाखिर में इसके खिलाफ रद्द अमल ज़ाहिर होना शुरू हो गया और कुछ लोग जो हैं वो एक नया नज़रिया, एक नया तख़य्युल जो रिवायती ज़ाब्तों से आज़ाद करने की कोशिश थी वो लेकर सामने आए। अब अलामत निगारी जो है कि तहरीक या अलामत निगारी की जो इस्तिलाह है या अलामत निगारी का जो नज़रिया है उसका रोमानवियत का वो एक बदेही नतीजा नहीं बल्कि इसकी एक तौसी है, इसका एक फैलाव है और इसने इजहार के लिए एक वसीले को फ़रोग दिया जिसमें हकीकी ज़िंदगी के बरअक्स नामालूम से तख्लीकी राबता कायम किया जाता और लाशऊर से ऐसे इशारे तलाश किए जाते जिनमें सदियों पुराने असातीरी तहजीबी और माशरती मफाहिम की बाज़गश्त अलामती अंदाज में सुनी जा सकती थी। अब इसके लिए मुख्तलिफ फ्रांस में, जर्मनी में कुछ लोगों ने जो हिस्सा डाला या जो इसके अलमबरदार हुए। अब फ्रांस में इस तहरीक को मेलार्मे, इंग्लिस्तान में यीट्स ने और जर्मनी में स्टीफन जॉर्ज वगैरह ने परवान चढ़ाया। इस तहरीक की इंतहाई सूरत जो है, जो इंतहा है वो फ्रांस में रूनुमा हुई जहां अलामत निगारी हकीकत की दुनिया से निकलकर ख्वाब की दुनिया में बह निकली। अलामत निगारी का मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि इसने शायरी को सिर्फ नहीं मुतासिर किया था बल्कि नावल और अफसाने को भी मुतासिर किया और उसमें भी बहुत सारे लोगों ने, मैंने पिछली गुफ्तगू में अर्ज़ किया था कि ये लोग जो हैं अलामत निगारी से मुतासिर हुए और इन्होंने अपनी जो तख्लीकात हैं उनमें इसका इस्तेमाल भी किया। तो या जिस तरह मैंने वो मिसाल दी कि जो है वो रेलगाड़ी वाली के वो झंडी हिलाता है, अब वो सब्ज रंग की झंडी जो है वो अलामत है गाड़ी को चलाने की या अगले स्टेशन तक जो उसका ट्रैक है उस हवाले से सारी सूरत हाल जो है वो क्लियर करने की और फिर गाड़ी रवाना होती है। और मिसालें भी इसमें हैं कि जैसे वो तो लफ्ज़ थे कि फिराक जो है वो क्या है, गुल किस चीज़ की अलामत है। तो अब जो फ्रांस के जो इस तहरीक का पहला जो इसका पेशरो है या जो इसका आगाज़ करने वाला है वो था जर्मनी का एडगर एलन पो। हालांकि बाद में इसका नाम इतना नहीं लिया जाता था, बाद में और लोगों ने इसकी बागडोर संभाली तो ये किसी हिस्से में नहीं शुमार किया जाता था, लेकिन बहरहाल इसका बुनियादी जो इसका आगाज़ करने वाले हैं उनमें इसका नाम आता है। तो उसने ये दावा किया कि इबहाम जो है वो शायरी की मौजूनियत में एक लाजमी जुज़ है। दर हकीकत एलन पो ने ये बावर कराने की कोशिश की थी कि फ़न में इबलाग जो है वो मुस्तकीम नहीं होता और लफ्ज़ जब अलामत में ढल जाता है तो नई मुबहम सूरत में बेमानी नहीं हो जाता बल्कि ये मौसीकी की सुर की तरह एहसास में ढल जाता है। और इसके गिर्द शायर का जो तजर्बा है वो जमालियाती हलके की सूरत में गर्दश करने लगता है। अब इसके नज़रियों को कुछ लोगों ने, बोदलियर वगैरह ने आगे फैलाने की कोशिश की और इसे तस्लीम किया और इनके सामने सरपसजूद हुए। अब बोदलियर जो था वो जदीद दुनिया का शायर समझा जाता था। उसने ये, उसके सामने अब क्या था कि एलन पो का ये जो एक बयान था
इसकी रोशनी में उसने अपने ख्यालात पेश किए। अब हुआ क्या कि उसने फ्रांसीसी शायरी में इतने इम्कानात पैदा कर दिए कि आइंदा 100 साल की तहरीकों में बोदलियर का जो परतौ है, उसका एक अक्स है, वो मौजूद मिलता है। अब मेलार्मे, जिसका मैं पहले भी जिक्र कर रहा था, उसकी तख्लीकात में हुस्न का जो एक सहर है, वो उसकी तासरियत जो है, उसके एक मुतासर करने का जो रंग है, वो एक ख़ास अंदाज में अपने आप को नुमाया करता है। उसके नज़दीक रोज़मर्रा का महसूस मुशाहिदा हकीकत की सिर्फ एक परागंदा शक्ल है, और वो हकीकत से राबता कायम करने के लिए ज़ाहरी कायनात पर एतमाद नहीं करता। मेलार्मे ने अल्फाज की दुनिया को मज़ीद तबाही से बचाने के लिए इसके गिर्द अलामत का हसार मुरतब किया। चुनांचे अलामत फितरत के मैकानिकी नज़रिए और इंसान के समाजी तसव्वुर के ख़िलाफ़ एक ऐसा किला बन गई जिसमें एक आम आदमी आसानी से दाखिल नहीं हो सकता। देखिए, ये मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि ये हर किसी के बस की बात नहीं है। अलामतों का इस्तेमाल हर इंसान या हर शायर या हर तख्लीकार वो नहीं कर सकता। ये कुछ ख़ास हैं कि जो लफ्ज़ों के ज़रिए कुछ ऐसी अलामतें वज़ा करते हैं जो अपने अंदर एक ख़ास मफहूम रखती हैं, और वही उसके मफहूम की तौसी को जानते हैं, या फिर जो कारी है जब उन लफ्ज़ों को पढ़ेगा, देखेगा, तो फिर वो उस मफहूम तक पहुंच सकता है। तो ये कारी की सवाबदीद पर है। बहरहाल, हर आदमी के बस की ये बात नहीं है कि वो अपनी शायरी या नसर में अलामतों का इस्तेमाल करें। अब जो अलामत निगारी की तहरीक पर अगरचे इबहाम या मुबहम होने का एक दावा किया जाता है, एक इल्ज़ाम आयद होता है, ताहम इस तहरीक के शुआरा ने अर्जी सतह से बुलंद होकर ज़िंदगी के हुस्न को नए दाविये से पेश किया, नए अंदाज से पेश किया। अंग्रेज़ी अदब में यीट्स, टी एस एलियट की शायरी इस रुझान की ख़ास तौर पर आईनादार है। अब देखिए, हेमिंग्वे का जो नावल आप सब लोगों ने भी पढ़ा हुआ है, बूढ़ा और समुंदर, देखिए उसमें कैसे अलामती अंदाज में बातें की गई हैं। अलामत निगारी को एक नए जाविये से पेश किया गया है, उसकी मिसाल दी जा सकती है, और वो उसमें बहुत खूबसूरत अलामतें हैं। तो अलामत निगारी की तहरीक में फ़र्द की जो शख्सियत है, इसको अहमियत मिली। इस तहरीक ने शुआरा जो इस तहरीक के शुआरा ने शेर की गनाइत से जहन पर ऐसे असरात मुरतब किए या ऐसे असरात पैदा करने की कोशिश की जिन्हें सिर्फ मौसीकी की लहरें ही पैदा कर सकती हैं, जिनसे सिर्फ मौसीकी की लहरें पैदा हो सकती हैं। अब देखिए, ये ऐसी चीज़ थी कि इसका ताल्लुक अकल से था, इसका ताल्लुक शऊर के साथ था कि ऐसी चीज़ें जो है मौसीकी की लहरों से, जो मौसीकी की लहरें पैदा कर सकती हैं, ये ख़ास शऊर था। चुनांचे इस तहरीक ने अलामत की सुर की जो तजरीदी कदर का हमल इसे बना दिया, ताहम इस हकीकत को नज़रअंदाज कर दिया गया कि अलामत एक ख़ास तहजीबी पस मंज़र में ही सहर आफरीनी कर सकती है। अब देखिए, जब इन्होंने अलामत का एक शौक़ तो इनको चढ़ा हुआ था, अलामत का एक इस्तेमाल तो कर रहे थे, लेकिन अलामत का जो एक ख़ास उसमें जो एक जादू होता है, वो उसका जो उस ख़ास एक तहजीबी पस मंज़र में उसका ख़ास एक मफहूम होता है, उसमें कशश होती है, तो ये चीज़ इनके जहनों में नहीं थी। इन्होंने मुजर्रद अलामत जो है वो कहा कि कोई अहमियत नहीं रखती। अब इन्होंने ज़्यादातर तजरीदी अलामत इस्तेमाल की हैं। बहरहाल, इस गैर अर्जी कैफियत ने शुरा को मुश्किल पसंदी की तरफ मायल किया, और बिल आखिर अलामती शायरी ज़िंदगी से गुरेज
और हकायक से फरार के हम मानी करार दी जाने लगे। बोदलेयर और मेलार्मे ने, वो चूँकि शायर थे, ज़ुबान पर कुदरत और गिरफ्त रखते थे, इसलिए उनकी शायरी बहाम के बावजूद कारी को अपने शहर में ले लेती थी, अपने शहर से आज़ाद नहीं होने देती थी। लेकिन इसके बरकस जो नापुख्ता शुआरा थे, जिनका भी इतना तजर्बा नहीं था, वो इस चीज़ पर कुदरत नहीं रख सके, उनका इस चीज़ पर कोई कामिल जो है वो नमूना हम नहीं पेश कर सकते। उन्होंने इसे इतना ज़ाती बना दिया कि इसके दाखिल से इसकी रूह जो है वो गायब हो गई, और नज़्म का जो है वो एक उसमें एक उलझा पैदा हो गया, वो उलझती चली गई। चुनांचे आज जब मगरबी अदब में अलामत निगारी की तहरीक का तज़किरा होता है, इसका ज़िक्र आता है, तो चंद बड़े नामों के सिवा बाकी सब शुआरा जो हैं वो निजी अलामतों के जंगल में गुम नज़र आते हैं। ताहम जिन दो चार नामों का मैंने अभी ज़िक्र किया था, वो उनके ऐसे असरात मुरतब हुए कि दुनिया भर के अदब को उन्होंने मुतासिर किया, और इस तहरीक की बाज़गश्त यूरोप से बाहर के ममालिक की शायरी में भी सुने जाने लगी। अब ये थी जो है इसमें उन लोगों का जो ताल्लुक था जो अलामत से ख़ास तौर पर ताल्लुक़ रखते हैं या जिन्होंने अलामत को ख़ास तौर पर बरता है, और फिर आगे इसके प्रचार की भी उन्होंने कोशिश की। तो एक दो बातें इस सिलसिले में अभी हैं कि अलामत और रम्ज़ जो है, या इसके मानी में जो रम्ज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है वो क्या ताल्लुक़ रखती है, तो वो दो तीन बातें मैं अर्ज़ कर देता हूँ, और फिर हमारा ये मौजू जो है वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। और इसमें कुछ ख़ास तौर पर उर्दू अदब के हवाले से भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि जो सिंबल लफ्ज़ है, इसका उर्दू तर्जुमा अलामत राइज हुआ, हालांकि या इसके अलावा रम्ज़ जो है या निशान और इशारा वो भी इसके मानों में इस्तेमाल होते हैं। तो सिंबल के लिए रम्ज़ और अलामत निगारी जो है वो सिंबलिज्म के लिए या फिर रमजियत भी इसका तर्जुमा किया जा सकता है, जो कि ज़्यादा राइज नहीं है। ये इसके बुनियादी मफाहिम से ताल्लुक़ रखते हैं। फिर इसमें एक आध बात जो आप के गोश गुजार की है मैंने, इशारे के तौर पर जो सिग्नल एक है, या दूसरी तरफ कुछ अल्फाज हैं गुल और फिराक वगैरह के, इश्क की जो अलामत इकबाल ने इस्तेमाल की। तो रम्ज़ जो है या अलामत, ये किसी वक्त मतलब को खुफिया पोशीदा रखने के लिए भी इस्तेमाल होती है। मसलन तरीकत में उस तरीके से मुकद्दस उलूम की हिफाजत की जाती है। अब जो नाहलों ने जो उसे एक ख़ास अंदाज में रखा हुआ है, उन्हें उनसे बचाया जाता है एक चीज़ को। तो असल मफहूम से रम्ज़ शनास ही वाकिफ़ होते हैं, दूसरे ज़ाहरी सतह पर उलझे रहते हैं, वो उसके ज़ाहरी मफहूम में ही पड़े रहते हैं, उसकी रूह, उसका जो असल फ़लसफ़ा होता है, उसकी बातन तक नहीं पहुँचते। इसी तरह किसी दहशतनाक सियासी समाजी माहौल में ये सच्ची बात कहने और फिर भी महफूज रहने का एक हरबा हो सकता है, मगर अलामत को बुजदिली समझना, जैसा कि उर्दू में लोग
लोगों ने कहा है बाज़ नाकेदीन ने, तो ये दुरुस्त नहीं है। रमूज की मानवियत जो है उससे मुकम्मल तौर पर बेखबर नहीं हुआ जा सकता। तो इसकी हमागीरी जो है अलामत निगारी की, ये हर अहद के फ़नून से वाबस्ता रही है। ताहम यूरोपी अदबी तारीख उसमें सिंबलिज्म से मुराद अव्वली तौर पर वो शायरी है जो फ्रांस में वाकईयत निगारी रियलिज्म से के इब्तदाई दौर के बाद 19वीं सदी के दूसरे निसफ हिस्से में उभरी। यहाँ वही नाम हैं जिनका पहले मैंने जिक्र किया, बोदलेर और मेलार्मे वगैरह। तो ये बड़े रमजियत के बड़े शायर समझे जाते थे, बेहतरीन नुमाइंदे हैं। तो रमजियत का जो रुझान है इसमें आम वाक़ियाती सतह से आगे एक सिर्री सतह तक जाने की काविश खतीबाना वजाहत के बजाय अलामती इजहार इशारे किनारे में बात करना इशाराती अंदाज बुनियादी अनासर थे इसके। साइंस जिस तरह दुनिया को यक सतही बना रही थी, इन शुआरा के यहाँ इसका रद्द अमल सा नज़र आता है। वो इस चीज़ को थोड़ा सा हट के देखते हैं। कुछ बातनी अनासर भी कार फरमा थे इसमें। वो बोदलेर जिसका नाम मैंने लिया, उसके सोनेट हैं जिसमें फितरत को रमूज का जंगल कहा गया है। तो ये तसव्वुर बोदलेर ने ख़ुद उसका नहीं था, उसने और किसी आदमी से लिया था स्वीडनबोर्ग के नाम से, और वो बुनियादी तौर पर बातनी रवैयों का एक तसव्वुर है। अब इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो जिन्हें बहुत मुख्तसर करके मैं आपके सामने रख दूँगा कि अलामती अफसाने जो हैं वो क्या हैं, या अलामती शायरी जो है या उर्दू में अलामती शायरी वो क्या है, क्या ताल्लुक़ है इससे। चूँकि अब भी कुछ चीज़ें रह गई हैं और अभी ज़्यादा वक्त और नहीं लिया जा सकता कि वो चीज़ें जो असनाफ में इस्तेमाल हुई हैं उनकी भी वजाहत की जा सके। तो अलामती अफसाने या अलामती शायरी या अलामत का इजहार किन किन असनाफ में हुआ और कब जाकर इसका इख्तिताम हुआ या अभी तक अलामती इजहार जो है वो किया जा रहा है, ये चंद बातें हैं। ये कुछ वक्त इनके लिए हुई, आधी क्लास तो चाहिए कम से कम। तो ये इंशाल्लाह अगली क्लास में बात हो जाएगी। मेरी कोशिश तो थी कि ये आज मौजू मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन कुछ बातें दरमियान में और इस तरह की आ जाती हैं जिनकी वजाहत भी ज़रूरी होती है। तो ये चंद चीज़ें जो हैं ये इंशाल्लाह अगली गुफ्तगू में करेंगे, और साथ में हम कुछ मार्क्सी जो है तनकीद या मार्क्सी अदब की जो तहरीक है उसके इब्तदाई हिस्से पर भी इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। तो बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी आपके ज़िम्मे जो काम वाम लगाए हैं असाइनमेंट्स के सिलसिले में, तो वो आप इंशाल्लाह पर वक्त जमा करवा देंगे। और इंशाल्लाह मेरी ये भरपूर कोशिश है कि हमारे हतमी इम्तहान तक जितने सिलेबस में मौजूआत हैं वो सारे मुकम्मल कर लिए जाएं। और मुझे बहुत उम्मीद है कि अभी हमारे पास कोई 3-4 क्लासेस आपके फ़ाइनल टर्म इम्तहान से पहले हैं, इंशाल्लाह उनमें वो चीज़ें हो जाएंगी, बहुत उम्मीद है। तो इंशाल्लाह बाकी गुफ्तगू फिर अगली क्लास में होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।